अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। आज हम जुलाई के अंत भाग में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 30 अक्टूबर को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। स्लो मूविंग प्लैनेट्स हम सभी के जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ के जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति ऑन एन एवरेज 12 महीने, एक साल के लिए हम कह सकते हैं कि किसी भी राशि में रहते हैं। शनिदेव 2.5 साल के लिए किसी भी राशि में रहते हैं। और राहु और केतु, जिसे छाया ग्रह कहते हैं, इनका अपना कोई घर नहीं है, इल्यूजन वाले ग्रह है। बहुत सारी चीजें कहा गया है कि एक धड़ है और एक सर है, तो वो 18 महीने किसी भी राशि में रहते हैं। ये सीरीज थोड़ी सी आगे पीछे बन रही है। आज इस सीरीज का पहला वीडियो है वृषभ वालों के लिए। वृषभ लग्न और वृषभ राशि, आपका लग्न और राशि जो भी हो, पूरी सीरीज उस हिसाब से देखिएगा। लग्न वाला जो भी प्रिडिक्शन होगा उसे 70% तक उसका प्रभाव रहेगा मान के चलिए, और आपकी जो भी चंद्र राशि होगी उसका प्रभाव 30% तक मान के चलिए। तो 30 अक्टूबर को राहु का राशि परिवर्तन मीन राशि में हो जाएगा। बाकी के सारे ग्रह जब अपना नया साइकिल शुरू करते हैं तब मेष राशि से शुरू करते हैं, और राहु और केतु क्योंकि सदैव उल्टे चलते हैं तो उनका जब नया साइकिल शुरू होता है तो वो मीन राशि से शुरू होता है, और राहु इस बार मीन राशि में ही जा रहा है। वृषभ वालों की बात करें, वृषभ लग्न या वृषभ राशि की, तो हम लग्न के हिसाब से ही बोलेंगे, लेकिन लग्न और राशि दोनों के हिसाब से देखिएगा। 70-30 राहु और केतु के प्रभावों का आपको सबसे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वृषभ लग्न वालों के लिए, अभी मेष राशि 12वें घर में हुई तो राहु इनके 12वें घर से जा रहे हैं और केतु इनके 6ठे घर से जा रहे हैं, मतलब वहां पे इनका गोचर चल रहा है। 6, 8 और 12 कुंडली के त्रिक भाव कहे जाते हैं, जहां पे किसी भी ग्रह का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता। तो जितने भी वृषभ वाले होंगे, वृषभ लग्न या वृषभ राशि, पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से, अभी 3 महीने बाकी है तो 15-16 महीने आप गिन लीजिए, स्ट्रेस आपका गजब रूप से बड़ा होगा। बार बार राहु था तो इसने अच्छे खासे खर्चे भी करवाए होंगे। बार बार राहु था मतलब ये कहीं कोर्ट कचहरी के कोई मुकदमे में आपको फंसाया होगा। बार बार राहु था तो कहीं पे अनैतिक संबंधों के कारक भी उसे कहा जाता है, तो बहुत सारी चीजें बार बार राहु करवाता है, एकदम चल रही गाड़ी को ब्रेक सा लगा देता है, बिल्कुल ठीक नहीं। और उसी प्रकार से 6ठे घर में रोग, ऋण और दुश्मन का, शत्रु का जो भाव होता है, वहां से केतु जा रहा था। तो वृषभ वालों के लिए पिछले बहुत सारे महीने, 15-16 महीनों से आप ये दर्द झेल रहे हो, ये तकलीफें झेल रहे हो, अब 30 अक्टूबर से आने वाले 18 महीनों के लिए आपके लिए बहुत सारी खुशखबर आ रही है, क्योंकि राहु जाएंगे मीन राशि में, मतलब आपके 11th हाउस में, और केतु जाएंगे कन्या राशि में, मतलब आपके 5th हाउस। 11th हाउस कुंडली का, इसे हाउस ऑफ गेन्स कहा जाता है, लाभ भाव, और 5th हाउस पंचम भाव आपकी कुंडली का, वृषभ लग्न या राशि, वहां पे बुध, मतलब कन्या राशि आती है, बुध की राशि आती है और केतु की मित्र राशि। पंचम भाव आकस्मिक सफलताओं का कारक माना जाता है, पंचम भाव संतान के साथ जोड़ के देख सकते हैं, पंचम भाव मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो फेवरेबल पोजीशंस बन रही है वृषभ वालों के लिए, लग्न हो या राशि हो। 30 अक्टूबर से राहु आपके 11th में आएंगे और केतु आपके 5th हाउस में जाएंगे। तो जब हाउस ऑफ गेन्स में, राहु के लिए कहा जाता है कि जिस भी भाव में बैठता है उस भाव की जो लाक्षणिकता होती है उसे वो चार्ज कर देता है। 12वें में बैठा है मतलब व्यय भाव का स्थान था, तो बहुत सारी चीजों का आपको व्यय करवाया होगा, चाहे वो आपकी एनर्जी हो, चाहे वो आपका धन हो,
किसी भी प्रकार से व्यय का समय आप व्यय के समय से आप गुजर रहे हो। अब जब हाउस ऑफ गेन्स में आएगा, सबसे पहले राहु की बात करते हैं, 11th हाउस में मीन राशि है, मतलब गुरु की राशि। तो गुरु की राशि में राहु का आना मतलब देव गुरु अभी आपके 12th हाउस से चल रहे हैं ना, मेष राशि से जा रहे हैं, अच्छा ही है, क्योंकि गुरु को जिस भी राशि के घर में राहु बैठते हैं उस राशि के ग्रह को वो मजबूती प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से फल देने लगते हैं। तो हाउस ऑफ गेन्स में है तो ये मान के चलिए कि आने वाले 18 महीने आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के होंगे। हाउस ऑफ गेन्स है तो बहुत सारा ये धन लाभ आपको करवा के जाए। ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज जो भी है, स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा धन लाभ ये करवा के जाएगा। सामने पंचम भाव में बुध की राशि में केतु है, आकस्मिक सफलताओं का कारक, बहुत सारा लाभ ये करवा के जाएगा। तो पिछले 18 महीनों से आपने जो कुछ भी मेहनत के स्वरूप में बोया है उसका अब फसल लेने का समय शुरू हो रहा है इन 18 महीनों में। उसके बाद वाली सिचुएशंस भी आपके लिए फेवरेबल ही रहेगी, लेकिन वो जब आएगा तब बात करेंगे। तो हाउस ऑफ गेन्स और पंचम भाव दोनों में अनुक्रम रूप से हम बात कर रहे, राहु और केतु आपके लिए फेवरेबल है, बहुत सारे आकस्मिक लाभ ये आपके लिए बना के जाएंगे। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज इन 18 महीनों में आप बनती हुई देखेंगे। चाहे वो नई ऐसी कोई बिजनेस की आप शुरुआत करना चाहते हो तो वो रास्ते खुलने लगे, नई पार्टनरशिप होने लगे, ऐसे नए ऑर्डर्स मिलने लगे, ऐसी व्यक्तियों के साथ मुलाकात हो, जॉब कर रहे हो तो अच्छी जॉब का ऑफर मिले, प्रमोशन जो ये 12वें और 6वें घर का कॉम्बिनेशन रोक के रखा था वो मनचाही जगह पे ट्रांसफर हो जाए, प्रमोशन हो जाए, आपके कार्यों की सराहना हो, फाइनेंशियल गेन, जो दोज़ हू आर वर्किंग इन स्टॉक मार्केट अचानक से आपके जो भी कैलकुलेशंस है सटीक बैठने लगे, तो ये आर्थिक रूप से तो लाभ करवा के जाएगा। लेकिन ये सिक्के की एक बाजू हुई कि राहु और केतु आर्थिक रूप से आपको बहुत सारा लाभ करवा के जाएंगे। ये आपकी आपके हिले डुले हुए कॉन्फिडेंस को वापिस अपनी जगह पर लाने का काम करेंगे। कई मामलों में ये आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि का काम भी करेंगे, लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। वो बला क्या? इल्यूजन वाले ग्रह हैं दोनों। तो मान लीजिए कि आप जितना कमा रहे हो उसके साथ इस प्रकार की वृत्ति आपके अंदर आएगी कि अच्छा पैसा तो आ ही रहा है, हमने बहुत कष्ट झेला, अब आ रहा है, चलो मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके पीछे खर्च कर दो। जरूरी हो और आप खर्च कर रहे हैं उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये इल्यूजन वाले ग्रह उस तरह से आपको खर्च करवाएंगे कि जहां पे वो खर्च करना बिल्कुल जरूरी ना हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप मान लीजिए कि टू व्हीलर या कार जो भी आपके पास है वो आप चला रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अब जैसे ही राहु 11वें भाव में आएगा, केतु पंचम भाव में आएगा, धन लाभ की स्थितियां बनने लगी, आपने सोचा कि टू व्हीलर है, अब मैं नई गाड़ी ले लेता हूं। जो 18 महीनों का आपने दर्द झेला है भौतिक सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, आप ये सोच रहे हो कि मैं नई गाड़ी ले लूं, तो जितना आप कमा रहे हो उतना आपने गाड़ी में डाल दिया, जबकि वो शायद इनिशियल रूप से वो करना जरूरी नहीं होगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस प्रकार के विचार लाएगा कि जन धन लाभ की स्थितियां बनेगी, आपके मन में इस प्रकार से विचार आए कि इस धन को मैं कहां पे खर्च कर दूं, वो आपकी भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे खर्च करने के विचार ज्यादा होंगे। आप कहीं पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, ये भी हो सकता है, कहीं पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जिसकी जरूरत ना हो वहां पे ये खर्च करवा देगा तो आपका जो सेविंग का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। जब 18 महीने कंप्लीट होंगे ये 11th और 5th हाउस के, तो आपको ये लगेगा कि हाथ में क्या रहा, अच्छा खासा कमाया लेकिन जितना कमाया उतना तो खर्च कर दिया, हाथ में तो इतना कुछ बचा नहीं। तो परिस्थिति तो वही बनेगी जो 12th और 6th में बन रही थी, कि पैसों का आपके पास संशय नहीं हुआ, यहां पे स्ट्रेस के साथ था, वहां पे खुशियों के साथ होगा।
तो आपको अपने उन विचारों के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। ये 18 महीने और उसके बाद वाले 18 महीने राहु और केतु की अगर हम बात करें तो अब आने वाले 3 साल राहु और केतु आपके लिए बहुत सारा धन उपार्जन करने वाले हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा माइजरली होने की जरूरत है, थोड़ा सा कंजूस बनिएगा। कंजूस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि उस हिसाब से खर्च कीजिए जो जरूरी हो, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो जरूरी है वो खर्च कर दीजिए, लेकिन जब आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा बैंक बैलेंस बन जाने दो, उसके बाद धीरे धीरे करके खर्च करेंगे, ये माइंडसेट के साथ चलेंगे तो राहु और केतु आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। आज मैं बता तो रहा हूं 3 महीने पहले ये सीरीज शुरू कर रहा हूं, लेकिन देखिएगा कि अक्टूबर के बाद वाले 18 महीनों में जिनका भी वृषभ लगना है या वृषभ राशि है, ये कैसी चीजें होती है। आप शायद आज की तारीख में सोच रहे हो क्योंकि अभी 12 और 6 में से जा रहा है, तो अभी आपके मन में ऐसे कोई भी विचार नहीं आ रहे हैं। शायद आप ये भी सोच रहे हो कि यार इतनी तकलीफों से गुजरा हुआ इंसान कैसे ऐसा सोच सकता है, 12th और 6th में ये विचार नहीं आ सकते। लेकिन जब ये 11th और 5th में जाएंगे, जब ये सफलता, जब ये धन उपार्जन, ये सारी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल बना देगा, तब ये विचार आएंगे। इसीलिए राहु और केतु को इल्यूजन क्रिएट करने वाला ग्रह माना जाता है। तो ये जो कोई भी अब ट्रांजिट वृषभ लग्न 70%, वृषभ राशि 30% होने के लिए जा रहा है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन जो मैंने कहा उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पंचम भाव का केतु है, ये संतान रिलेटेड गुड न्यूज आपको दिलवा सकता है, संतान के कैरियर संबंधित, संतान के विवाह संबंधित, संतान योग संबंधित ये परिस्थितियां भी होगा। दोज हू आर अनमैरिड, आपका विवाह तय हो जाए इन 18 महीनों में, आप विवाह के योग्य, आपकी उम्र हो चुकी है लेकिन नहीं हो रहा था, ये करवा देगा। लेकिन वहां पे भी अगर ऐसा कुछ है, कोई अच्छा सा रिश्ता आया, इल्यूजन वाली सिचुएशंस क्या बनेगी कि आपको अच्छे से छानबीन कर लेनी है कि जो आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है वो सही है ना, कहां कहां पे संभलना है। बहुत सारे लाभ ही लाभ वाली परिस्थितियां हैं, एक लाभ भाव है, एक आकस्मिक सफलता का भाव है, तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहां पे जोश से नहीं होश से काम लीजिएगा तो राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों की बाहर लेकर आ रहा है। नए वीडियो में किसी और लग्न और राशि की बात करेंगे। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जितने भी अपने हैं और सोशल मीडिया के माध्यम है वहां पे शेयर कीजिए, और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए, अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जय हिंद।